के परिवर्तन के लिए पति पत्नी ने पति पत्नी में पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा मामूली सी बात पर किराए से रहते दूसरे वाले पे झगड़ा इतना बढ़ गया कप प्लेट बर्तन खिड़की से बाहर नीचे मकान मालिक रहता था बुजुर्ग आदमी था ऊपर गया और कहा भाई बेटा तुम लोग क्यों लड़ते हो हम इस फ्रेम से रहते थे आज इतने लड़ रहे इसकी वजह क्या है पत्नी ने कहा पिताजी मैंने तय किया है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊं डॉक्टर बनाऊंगी हमेशा बीमार रहती हूँ डॉक्टर के दरवाजे खटखटाना पड़ते इसलिए मैंने तय किया है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी पति ने कहा ना बेटा बनेगा तो इंजीनियर बनेगा मेरे बिजनेस में काम आएगा मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा इसीलिए मैंने तय किया बेटा इंजीनियर बनेगा पत्नी बोली नहीं बनेगा तो डॉक्टर बनेगा पति बोला नहीं बनेगा तो इंजीनियर बनेगा पत्नी बोली नहीं बनेगा तो डॉक्टर बनेगा पति बोला नहीं बनेगा तो इंजीनियर बनेगा पत्नी बोली सुनो जी घर घर में बहुत जीआईजी हो गए जब भी आवाज दो आई जी बहुत आई जी हो गए घर घर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा पति ने कहा नहीं बनेगा तो इंजीनियर बने बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा तुम क्यों झगड़ाते हो तुम डॉक्टर बनाना चाहती हो और वो इंजीनियर बनाना चाहता है लेकिन बच्चे की भी तो इच्छा जानो वो क्या बनना चाहता है उससे भी तो पूछो वो क्या बनना चाहता है वो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है उसका भी तो इच्छा देखो बुजुर्ग ने कहा बुलाओ बेटे को बुलाओ बेटे को जब उसने कहा बुलाओ बेटे को पति ने पत्नी की तरफ देखा पत्नी ने पति की तरफ देखा और दोनों बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा है रात सपने में बापू आए बोले तरुण चौधरी क्या हो रहा है मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है क्यों रो रहा है मैंने कहा बापू अपनी तो दिलती नहीं दूसरों की दो रहा है हमारे झगड़े बेबुनियाद है बहुत सारे झगड़े बेबुनियाद है बेवजह है कोई कारण नहीं अंदर जाओ खोदा पहाड़ बोलो निकली चुहिया वो भी मरी हुई ये क्या हो गया पति दुकान से आने में